गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। लास्ट टाइम जब हिंदी का सब्जेक्ट था तो हमने लिखा था आ से आम, तो उसके बाद क्या आता है, ई से इमली। आप सबको आती है ना इमली, जो खट्टी खट्टी इमली आती है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, ई से इमली। तो सबसे पहले हम ई से इमली लिखने के लिए क्या करेंगे, यस वर्कशीट में ट्रेसिंग करेंगे। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्रेसिंग। तो ये रहा हमारा फर्स्ट कैरेक्टर। पहले क्या बनानी है, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर एक सेमी सर्कल, फिर दूसरा सेमी सर्कल, फिर बाद में सर्कल बना के ऐसे बाहर आ जाना है, और ऊपर क्या बनानी है, स्लीपिंग लाइन। चलो फिर से सिखाती हूँ। पहले एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक सेमी सर्कल, फिर दूसरा सेमी सर्कल, फिर वहां से सर्कल बना के ऐसे बाहर आना है, और फिर ऊपर क्या करनी है, स्लीपिंग लाइन। इससे क्या बनेगा, इसे इमली। क्या बनेगा, इसे इमली। ओके ऐसे बोलते जाना है और लिखना है, इसे इमली, इसे इमली। इस तरह से ये पूरी वर्कशीट है, उसको क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद लिखेंगे नोटबुक में। तो चलो देखते हैं नोटबुक। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे नोटबुक में मैंने ई से इमली लिख दिया है, इसके ऊपर आपको ट्रेसिंग करना है, बाद में जो बॉक्स ब्लैंक दिख रहे उसमें आपको खुद लिखना है। तो सबसे पहले इसको ट्रेसिंग करते हैं। तो पहले एक स्टैंडिंग लाइन, फिर वहां से ऐसे कर्व, फिर दूसरा कर्व, फिर सर्कल बना के ऐसे बाहर, और ऊपर क्या करना है, स्लीपिंग लाइन। इस तरह से ये दोनों लाइन ट्रेसिंग करनी है और नीचे हमें खुद लिखना है। तो चलो सीखते हैं कैसे किस तरह से लिखते हैं। ओके तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्टैंडिंग लाइन हो गई, फिर ये सेमी सर्कल, फिर इस तरफ सेमी सर्कल, फिर यहां से क्या बनाना है, सर्कल बना के ऐसे बाहर, और ऊपर क्या बनानी है, स्लीपिंग लाइन। चलो फिर से सिखाती हूँ। पहले एक लाइन, फिर ये सेमी सर्कल हो गया, फिर दूसरा सेमी सर्कल, फिर यहां से सर्कल बना के बाहर आ जाना है, और फिर ऊपर क्या बनानी है, स्लीपिंग लाइन। तो ये क्या बन जाएगा, ई से इमली, ई से इमली। ओके इस तरह से बोलते जाना है और लिखना है, ई से इमली। क्या बोलना है, ई से इमली, ई से इमली। इस तरह से ये नोटबुक के पेज में आपको कंप्लीट करना है और फिर लिखेंगे टेक्स्ट बुक में। तो चलो देखते हैं टेक्स्ट बुक। तो ये देखो बच्चों, ये है हमारी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 4। कितने पेज नंबर पे, 4। यहाँ पे देखो ई लिखा है, फिर ई से क्या होता है, इमली, और ई से इमरती। तो ऊपर की जो 3 लाइन्स है उसमें हमें ट्रेसिंग दिया है, और फिर नीचे की 2 लाइन्स में हमें खुद लिखना है। तो चलो सबसे पहले ट्रेसिंग करते हैं। तो ये देखो मैंने यहाँ पे रखी पेंसिल, सबसे पहले बनाई एक स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ से सेमी सर्कल करके ऐसे कर्व, और फिर ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। तो ये क्या बन जाएगा, इसे इमली। पहले एक स्टैंडिंग लाइन, पची सेमी सर्कल, पची दूसरी सेमी सर्कल, और फिर कर्व करके बाहर आके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन, फिर से एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक सेमी सर्कल, फिर दूसरा सेमी सर्कल, फिर सर्कल बना के बाहर, और फिर ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो ये क्या बन जाएगा, इसे इमली। इस तरह से हमें नीचे जो ब्लैंक बॉक्स दिए हैं उसमें लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्टैंडिंग लाइन, फिर एक सेमी सर्कल, फिर दूसरा सेमी सर्कल, फिर सर्कल बना के बाहर, और फिर ऊपर क्या बनाएंगे, स्लीपिंग लाइन। इस तरह से दूसरा लिखते हैं, ई से इमली। क्या लिखना है, ई से इमली। ओके इस तरह से ये दोनों लाइन से वो क्या करनी है, हमें
कंप्लीट करनी है। इसके बाद देखो नीचे क्या दिया है, एक्टिविटी क्या लिखा है, चित्र के नाम के पहले अक्षर पर गोला बनाए। इसका मतलब क्या होता है, ये किसका चित्र है, इमली का, तो ई फोर ई का क्या, इमली का क्या आता है, ई, तो इसमें से जो हाँ भी ई दिखे उसके ऊपर क्या करना है हमें, सर्कल, क्या करना है, सर्कल। ओके, फिर ये क्या है पता है आपको, यस ये है इमरती, तो इसका भी क्या आएगा, ई, तो इसमें से ई का है तो यहाँ, तो इसके ऊपर क्या बनाएंगे, सर्कल। फिर ये क्या है, आ से आम, तो इसमें से आ कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसके ऊपर भी बनाएंगे सर्कल। फिर क्या आता है, तो ये क्या है, अ से अनार, तो इसमें से अ कहाँ पे है, ये है नो, कौन सा है, ये जो हमने सबसे पहले सीखा था ना वो, यस अ से अनार। तो इस तरह से एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, पेज नंबर 4 भी कंप्लीट करना है और फिर फोटोज खींच के मुझे सेंड करनी है। ओके, बाय बाय।